नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट टीचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 3 वीडियो 3। इस वीडियो में मेंशन किया गया है एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन फर्स्ट वीडियो आई हैव गिवन इंट्रोडक्शन, सेकेंड वीडियो ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हियर एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एल्जेब्रिक मेथड, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई एल्जेब्रिक मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये पहले मैं बताना जा रहा हूं। एक इक्वेशन आई एम गोइंग टू टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दिस टू इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी वैल्यू को दूसरे फॉर्म में। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं या x की वैल्यू फाइंड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये दिस इज द थर्ड इक्वेशन। आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। अगर हमने फर्स्ट को लिया है तो उसकी वैल्यू को सेकेंड में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सो x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो हियर 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, बोथ साइड माइनस विल बी कट, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 बाय 2, तो y इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, एंड पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है, x इज इक्वल टू 9। अब हम कैसे चेक कर लेंगे, करेंगे कि ये मेरा सॉल्यूशन सही है या गलत है, तो हमें ऊपर से चेक क्लिक करके कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, x माइनस y इज इक्वल टू गिवन हियर 4, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दो इक्वेशन लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के उसकी एक वैल्यू को ट्रांसफर करके एक वैल्यू को निकालिए और उस वैल्यू को आप दूसरे में पुट कीजिए। अगर दूसरे में आप दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे फिर वो वैल्यू जब थर्ड में पुट कर लीजिए दोनों की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो यह है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ द टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल इजी मेथड्स है, इसको एक बार दो बार तीन बार घर में जितना ही अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद अपने बुक निकालिए। अब बुक निकाल करके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले एक मेथड सॉल्व कर लीजिए फिर दूसरे मेथड से सॉल्व कीजिए। और इसी क्वेश्चन को मैं इल्यूमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आएगा, अगर सेम आया तो इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल सॉल्यूशन सही है। ठीक है, सेकेंड मेथड इल्यूमिनेशन मेथड, इल्यूमिनेशन मेथड नेशन मेथड, इसी मेथड से हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इल्यूमिनेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि किसी भी दो इक्वेशन के फर्स्ट कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यहां पर ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां पर दो है यहां पर तीन है तो दो में तीन से मल्टीप्लाई करो, तीन से दो मल्टीप्लाई फिर भी इक्वल हो जाएगा। यानी किसी एक टर्म को इक्वल, एक वेरिएबल को इक्वल कर लीजिए तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू को पुट कर दे तो पहली वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? आप देखिए तो फर्स्ट ईयर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन को चेंज करते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस, दिस विल बी कट, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 बाई 2, y इज इक्वल टू 5। देखिए y की वैल्यू फिर यहां पर 5 आ गया सेम। अब पुट द वैल्यू, आप पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में रख लीजिए, फर्स्ट में सेकेंड में किसी भी रख सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x प्लस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9। देखिए आंसर यहां पर भी आ गया 9, अब लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये दोनों मेथड से आपका क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है। और एक क्वेश्चन को बार 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 प्रैक्टिस कीजिए, एक ही क्वेश्चन लीजिए उसको देखिए, दोनों मेथड से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आंसर आपका सही आ जाता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड। इक्वेशन सेम है, x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा जो जनरल फॉर्म होता है
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस जनरल फॉर्मूला में इसे कन्वर्ट कर लेना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ए वन ए टू, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे ए वन गिवेन में ए वन इक्वल टू वन, बी वन इक्वल टू वन, सी वन इक्वल टू माइनस फोर्टीन, ए टू इक्वल टू वन, बी टू इक्वल टू माइनस वन, सी टू इक्वल टू माइनस फोर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं मेथड आपको बताया हूं, तो उसका क्या फॉर्मूला है पहले नंबर हमें फॉर्मूला को देखना है, फॉर्मूला किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यह फॉर्मूला है जैसे x यहां पर b1 b2 c1 c2, y a1 a2 and b1 and b2, if has तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पहले x y ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसी फॉर्म में इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है। ये मेथड इस तरह का सा है, इस मेथड से है, ये इस मेथड से। उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला x अपॉन बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ठीक है। पहले बी क्रॉस का मतलब बी वन सी टू, बी वन में सी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी टू सी वन, बी टू सी वन, फिर इक्वल टू वाई अपान सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपान ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले में हमें इनकी वैल्यू पुट कर देना है और राइट करेंगे नाउ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स अपान बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई अपान सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपान ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए टू बी वन, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है, एक्स अपान बी वन की वैल्यू यहां से ले लेंगे, बी वन इक्वल टू क्या है वन, सी टू की वैल्यू हम यहां से लेंगे माइनस फोर, फिर माइनस बी टू की वैल्यू माइनस वन इंटू सी वन की वैल्यू माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन इक्वल टू वाई अपान सी वन की वैल्यू माइनस फोर्टीन इंटू ए टू की वैल्यू वन माइनस सी टू की वैल्यू माइनस फोर इंटू ए वन की वैल्यू वन, ठीक है। फिर इक्वल टू वन अपान ए वन मीन्स वन इंटू बी टू माइनस वन माइनस ए टू वन इंटू बी वन वन। अब नाउ वी कैन राइट एक्स अपान
माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन इक्वल टू वाई अपान माइनस फोर्टीन प्लस फोर इक्वल टू वन अपान माइनस वन माइनस वन। ठीक है, आफ्टर दैट एक्स अपान माइनस एटीन इक्वल टू वाई अपान माइनस टेन इक्वल टू वन अपान माइनस टू, ये आपका वैल्यू है। अब इसमें से सीधा सीधी हमें जब एक बार इसको लेंगे, देयर फोर एक्स अपान माइनस एटीन इक्वल टू वन अपान माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, टू वन इक्वल टू एटीन, तो एक्स इक्वल टू एटीन अपान टू, तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन। देखिए यहां पर भी नाइन की वैल्यू आ गई। फिर देयर फोर हियर आल्सो y अपॉन माइनस टेन इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस टू, हियर आल्सो माइनस माइनस विल बी प्लस, y अपॉन टेन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो टू वाई इज इक्वल टू टेन, तो y इज इक्वल टू टेन बाई टू, तो y इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तीनों मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो। सो दिस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थ्री मेथड्स आर देयर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एक क्वेश्चन को आप लीजिए एक्सरसाइज से, उसको तीनों मेथड से सॉल्व करिए, दो बार तीन बार चार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलूंगा फिर एक नए टॉपिक के साथ कि हाउ विल सॉल्व रिड्यूजिंग ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो मेरे वीडियो के चैनल पर जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी चलता रहता है, उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आपको क्या क्या दिक्कत है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।